एचएस प्रोफेसर बांधवी। आज हम आपको फिफ्थ क्लास की ईवीएस पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, दिस इज मी कैमरा सैनी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मोनी सर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक। द फर्स्ट यूनिट इज द प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ठीक है, तो यूनिट के अंदर दो चैप्टर हैं। पहला है ग्रोइंग प्लांट्स एंड सेकंड है एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि इस यूनिट के अंदर हमको प्लांट एंड एनिमल की जो लाइफ है उनके बारे में जानना है कि एनिमल और प्लांट्स वो कैसे उगते हैं या कैसे पैदा होते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, कैसे सर्वाइव करते हैं, तो उनकी पूरी एक्नॉलेजमेंट अपन को लेनी है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं ओनली प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में कि पेड़ पौधे ग्रो कैसे होते हैं, पेड़ पौधे प्लांट्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे उगते हैं। ओके, तो अपन स्टेप्स में प्लांट्स, फिश एंड पिकॉक, ये सब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हैं। तो पहले पढ़ेंगे ओनली प्लांट्स के बारे में। ठीक, तो देखो पहले हम पढ़ते हैं जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे उगते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो विद द हेल्प ऑफ सीड्स। व्हेन दे फॉल इन सोइल दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये बता रहा है कि जो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सीड्स यानी बीज की सहायता से, बीज की हेल्प से उगते हैं या बीज के थ्रू उगते हैं। वो मोस्टली प्लांट्स बीज से उगते हैं। ठीक है, और जब जो किसी भी पेड़ का प्लांट्स अपने पास बीज है उसको हम जमीन में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो मिट्टी में क्या होता है, उसको प्रॉपर एयर मिलेगी, उसको वाटर मिलेगा और वार्म थोड़ी सी जो नमी या गर्माहट होती है, थोड़ी सी गर्म हीट होती है, वो मिलती है वार्म। ठीक है, तो वो क्या होती है, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए सफिशियंट कंडीशन होती है। यहाँ पे देखो पिक्चर में दिख रहा है कि अपन ने एक बीज लिया, उसको मिट्टी में डाला, फिर क्या होता है थोड़े दिन बाद में उसमें से छोटा सा प्लांट ग्रो करता है, फिर कुछ दिन बाद में और बड़ा, फिर बाद में पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये प्लांट किससे ग्रो हो रहा है, किससे हो रहा है, ये बाय द हेल्प ऑफ सीड। सो जो मोस्टली होता है, मोस्टली प्लांट ग्रो विद द हेल्प ऑफ सीड, लेकिन जो सीड के अलावा भी प्लांट ग्रो होते हैं, जैसे लीव्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा, ठीक है, और स्पोर्ट्स के द्वारा। तो आगे बताएंगे कैसे कैसे होते हैं, पहले हम पढ़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ सीड। पहले हम देखते हैं सीड्स क्या होते हैं। तो सीड्स आर फॉर्मेड इनसाइड द फ्रूट, यानी कोई भी फल है, जो बीज होते हैं फल के हमेशा अंदर ही होते हैं, जैसे मैंगो हो, एप्पल हो, ठीक है, या गुआवा हो, सबके जो बीज होते हैं वो उसके अंदर ही होते हैं। हम सबने देखे आम है, आम गुठली होती है, उसका बीज वो भी क्या होता है, उसके अंदर ही होता है, सेब का भी अंदर होता है उसके अंदर, वाटरमेलन खाते हैं, तरबूज उसका भी अंदर होता है, तो सारे फ्रूट्स के बीज उसके अंदर ही होते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास एक बीन सीड जो राजमा होती है, अपन राजमा चावल खाते हो वाले राजमा, सेम जो निकालते हैं, देखो कैसे निकलते हैं राजमा, ये देखो बीन सीड, ये थोड़ी सी फली है, पूरा फ्रूट है, उसके अंदर ये राजमा प्रेजेंट है। ओके, आगे देखो जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। ठीक है, कुछ तो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, तो बीज ही सबकी इक्वल साइज होती है, सब डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। देखो ये मैंगो है, ये मैंगो का पिक्चर है और ये वाटरमेलन का पिक्चर है, तो मैंगो खाते हैं मैंगो को, वो देखो सीड का पिक्चर इतना बड़ा है लेकिन वाटरमेलन का छोटा सा है, तो दोनों सेम होगा, इक्वल होगा, इक्वल नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो सीड्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स के होते हैं, उनकी साइज और शेप भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो कभी भी सेम साइज के नहीं होते। हम सबने देख रहे हैं जो जितने हम फ्रूट्स खाते हैं सबके सीड्स होते हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। पिक्चर देखो बड़ा है छोटा है डिफरेंट होगा, वो भी फ्रूट्स हैं उनके अलग होंगे। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, जो बीज होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अब उसको देखना है कि कोई भी जो सीड है वो अंदर से क्या होता है, उसके अंदर अंदर से कैसी बनावट होती है उसकी, वो सब देखना है कि बीज के अंदर क्या क्या होता है पूरा बीज।
पहले हम देखते हैं, हमने लिया एक बीन सीड, ठीक है, बीन सीड लिया, तो उसको जो डाइकोट वाला भी दो पत्र से बना हुआ है, जैसे बीज तो एक था, उसको हम तोड़ के डबल कर दिया उसको, ठीक है। आप देख रहे हैं जो बीन सीड होता है वो उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, तोड़ते वो दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसको हमने ऐसे तोड़ दिया दो पार्ट्स में। तो देखो पहला जो इसका बाहर जो छिलका था, जो बाहर का छिलका था, कवर था, उसको बोलते हैं हम सीड कोट, जो छिलका होता है उसको बोलते हैं हम सीड कोट, ठीक है। और जो ये वाइट हेड दिख रहा है आपको पिक्चर में, ठीक है, इसको बोलते हैं कोटिल हेड। कोटिल क्या होता है, इसको बोलते हैं बीज पत्र, मीन जो पूरा बीज है इसके अंदर जो भी प्रोटीन है न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट है इसमें वो सब यहाँ पे होते हैं, यानी मेन पार्ट ये होता है इसका, तो यहाँ पे पूरा इसका न्यूट्रिशन पोर्शन होता है वो सब इस कोटिल हेड में प्रेजेंट होता है, ओके। फिर क्या होता है, जैसे हम बीज को जमीन में डालते हैं तो न्यू प्लांट कैसे ग्रो होता है, वो देखो न्यू प्लांट यहाँ से ग्रो होता है, ये छोटा सा प्लांट ग्रो होगा बिल्कुल, लेकिन अभी बीज के अंदर है, जैसे जमीन के अंदर रहता है ये, ठीक है, तो धीरे धीरे ये बीज से बाहर निकलता जाता है। तो बीज के अंदर ये छोटा सा प्लांट है, ये डेवलप कैसे हुआ, जो इसका जो ये कोटिलन था यहाँ से जो न्यूट्रिशन है वो सारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, यानी जो यहाँ पर जो न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, ये कोटिलन से इसको न्यूट्रिशन मिला और यहाँ से न्यू प्लांट डेवलप स्टार्ट होने हो गया, ठीक है, यहाँ से ग्रो कर रहा है स्लोली स्लोली न्यू प्लांट्स, न्यूट्रिशन कहाँ से मिला, कोटिलन से। तो ये न्यू प्लांट डेवलप हुआ भी बहुत छोटा ही है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो अपन के पत्ते जैसे दिख रही है, लीव जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है ऊपर वाली, इसको बोलते हैं एपिकोटिल, ठीक है। जो एपिकोटिल होती है कुछ फास्टली ग्रो करती है, सबसे पहले ये ग्रो करती है, ये इसका कलर होता है ग्रीन ग्रीन सा, जैसे आप देखते होंगे जैसे हम खेतों में कोई बीज डालते हैं, जैसे गेहूँ का हुआ या फिर बाजरे का हुआ, ठीक है, जो गेहूँ डालते हैं तो हम एक दिन बाद देखते हैं सबसे पहले ग्रीन ग्रीन से दिखता है खेतों में, सबसे पहले ये ग्रो करता है, ठीक है, फिर बाल धीरे धीरे से पूरा प्लांट बन जाता है, पूरा पेड़ बन जाता है, और नीचे वाला पोर्शन से कहता है हाइपिकोटिल, ये वर्क करता है एज ए स्टेम, ठीक है। हाइपिकोटिल जो ये छोटा सा न्यू प्लांट ग्रो हुआ है इसका स्टेम की तरह ये इसका वर्क करता है। और जो रेडिकल, ये रेडिकल बोलते हैं इसका जो न्यू प्लांट है इसका जो लोअर पार्ट है इसको बोलते हैं इसका रेडिकल, ये वर्क करता है एज ए रूट, ये रूट की तरह करता है, ये सब रूट हो गया, ये सब स्टेम हो गया, इसकी लीव्स हो गई, ठीक है। और जो पूरा ये बना हुआ ये स्ट्रक्चर है पूरा, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भ्रूण, भ्रूण का मतलब होता है कि जो न्यू प्लांट डेवलप होता है जस्ट, ठीक है, अभी जस्ट डेवलप स्टार्ट होना शुरू हुआ है, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, भ्रूण बोलते हैं, ओके। तो अपन देखिए स्ट्रक्चर कैसे होती है, हर बीज के अंदर ये स्ट्रक्चर होती है, न्यू प्लांट कैसे डेवलप होता है हर सीड के अंदर, ठीक है। तो अपन पूछ रहे सीड के अंदर जो ये सीड होता है उसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कोटिल, सीड कोट, रेडिकल, हाइपोकोटिल, एपिकोटिल, एम्ब्रियो, ओके। तो आप देखते हैं जर्मिनेशन, व्हाट इज द जर्मिनेशन, जर्मिनेशन होता है अंकुरण, अंकुरण कैसे होता है, देखो तो जैसे अपन पिक्चर में देखो कि अपने को बीज डाल दिया जमीन में, थोड़े दिन बाद उसमें से हल्का सा व्हाइट, हल्का सा ग्रीन ग्रीन सा जो न्यू प्लांट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल जो ग्रीन ग्रीन और व्हाइट व्हाइट सा डेवलप होता है प्लांट, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं जर्मिनेशन या भ्रूण, सॉरी अंकुरण, उसको बोलते हैं अंकुरण। और जो जो निकला जो पार्ट बाहर निकलता है बीज से ग्रीन और व्हाइट वाला, उसको बोलते हैं सीडलिंग, सीडलिंग मतलब अंकुर, उसको बोलते हैं अंकुर, और पूरी तरह से बोलते हैं अंकुरण, ये अंकुर हो गया, ये क्या हो गया अंकुरित हो गया ये बीज, तो अंकुरण से क्या हो जाएगा प्लांट बड़ा होगा और पूरा प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस क्या लगती है, ये जर्मिनेशन अंकुरण की, ठीक है। देखो व्हेन सीड गेट एनफ एयर वाटर एंड वार्म इट ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स द बेबी प्लांट व्हिच ग्रो फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड सीडलिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन ओके। देखो अपने पास जो बीज होता है, मान लो अपने पास गेहूं का बीज है, गेहूं पड़ा रहता है अपने पास बाहर, एक दिन रखो, दो दिन रखो, दस दिन रखो, महीने रखो, उसमें से न्यू प्लांट डेवलप नहीं होगा, क्यों डेवलप नहीं होगा, क्योंकि नए प्लांट डेवलप होने के लिए उसको प्रॉपर एयर चाहिए, प्रॉपर वाटर चाहिए और प्रॉपर
वहाँ थोड़ी सी गर्माहट चाहिए, ठीक है, तभी तभी न्यू प्लांट डेवलप होता है। और ये सब हम मिलता अपन को जमीन के अंदर। आप गांव में जो उगाते हैं जैसे गेहूं का है, गांव में कैसे करेंगे, गेहूं लेते अपन वो खेत में डाल देते हैं, वह क्या होता है प्रॉपर उसको एयर मिलेगी और वाटर मिलेगा जमीन से, और थोड़ी सी जो गर्माहट है वो गर्मी है वो जमीन से मिलती है। वो उसके बाद में क्या होता है वो अंकुरित होना शुरू हो जाता है, अंकुरित बोलते हैं सीडलिंग। जैसे अंकुरित होना शुरू हो गया तो बाद उससे पेड़ बन जाएगा पूरा, तो जो अंकुर जो अंकुर था उससे पूरा प्लांट बन बनता है, उस तरह से बोलते हैं जर्मिनेशन अंकुर। समझ में आ गया, आपने खेतों में बोल देगा खेतों में फसल उगती है वो जर्मिनेशन द्वारा उगती है। ओके, अब देखो अपन एक प्रैक्टिकल करते हैं घरों में कि जर्मिनेशन, अपन घरों में खूब देखा है कि जर्मिनेशन वाटर पानी जर्मिनेशन कैसे होते हैं। आपने जैसे एक कटोरी लेते अपन, ठीक, जैसे एक बॉल है कटोरी है, बाउल में क्या करते हैं अपन पानी भरते हैं और उसमें कुछ भी बीज डाल दो, आप चने डाल दो या फिर राजमा डाल दो, डाल दिए उसमें और उसको रात भर के लिए रख देते हैं, उसको जो बॉल है पानी का उसको रात भर के लिए रख देते हैं। जो हम सुबह देखते हैं तो उसमें ऐसे छोटे छोटे वाइट वाइट निकल जाते हैं, ऐसे निकले होते हैं, तो ये वाइट वाइट निकलते हैं, इनको बोलते हैं अंकुर बोलते हैं सीडलिंग, और प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। हमें चने खा चमे चने खाए होंगे, चने को शाम को पानी भिगो दो और सुबह देखो उसमें अंकुर निकल जाते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है जर्मिनेशन इन वाटर। ठीक है, तो वो जब अंकुरित होता है वो अपन जो खाते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि अंकुरित चना खाया करो, हेल्दी होता है बॉडी के लिए। तो हेल्दी क्या होता है कि जो जर्मिनेशन होता है, जो अंकुर निकलता है उसमें जो प्रोटीन होता है, जो न्यूट्रिशन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो आप घर पर ट्राई करना जर्मिनेशन वाटर, पानी देना शाम को, उसमें भिगो देना, चने डाल देना या राजमा डाल देना और सुबह देखना। अगर सुबह मान लो निकल जाए ठीक है, नहीं निकले उसको दो दिन में डाल, दो दिन में रख देना उसको, जैसे शनिवार को शाम को डाला, सैटरडे को डाला, संडे और मंडे को मॉर्निंग देखना, आपको ऐसे मिलेगा जर्मिन को सीडलिंग मिलेगी, आपको अंकुर मिलेंगे बीज में। ओके, तो आज के लिए ये था, आई होप यू गेट वेरी वेल। ओके, गेटिंग मी, थैंक यू फॉर टुडे।